रोल नंबर 13, एफ फ्रेम सी डी ई एफ, ये आपको सी डी ई एफ एक फ्रेम दिया हुआ है, इज प्लेस्ड इन ए रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड बी इज प्रेजेंट, यहां मैग्नेटिक फील्ड बी प्रेजेंट है जो कि अंदर की तरफ है, क्रॉस यानी अंदर की तरफ है। ए रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये 1 मीटर लेंथ का आपके पास ये रोड है, ठीक है, विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड से इस तरह से चल रहा है, एंड स्ट्रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 टेस्ला दी हुई है। द पावर स्पेंड इन द प्रोसेस इज R इक्वल टू जो दे रखा है वो 0.2 है, R कितना है आपके पास 0.2 ओम, ठीक है, एंड ऑल अदर वायर्स एंड रोड हैव 0 रेजिस्टेंस, बाकी सबका रेजिस्टेंस 0 माना गया है, इसमें दिया हुआ है। तो आपको क्या बतानी है, पावर बतानी है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट निकले, क्योंकि करंट निकलेगी तभी आप पावर निकाल पाएंगे, तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो E इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, L और B परपेंडिकुलर है, V भी आपके परपेंडिकुलर है, तो क्या आ जाएगा BVL, ये BVL, ठीक है, करंट निकालने से तो I इज इक्वल टू E बाई R, क्या आ जाएगा BVL बाई R, ये करंट आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास हमें निकालना इसके अंदर पावर है, पावर क्या होती है आपके पास, पावर का फॉर्मूला, इससे हम फोर्स निकाल लें पहले, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स आप निकालेंगे तो क्या आएगा, फोर्स क्या होगा आई एल बी, ये आई एल बी है ना, करंट फ्लो होगी तो लेंथ, करंट फ्लो होगी तो उसमें फोर्स भी लगेगा, तो क्या आएगा आई एल बी, यहां पुट कर दें आई को तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर, ये फोर्स आ गया। हमें पावर चाहिए, पावर क्या होता है एफ डॉट वी, लगा दें यहाँ पर एफ डॉट वी, वी को और लगा दें तो वी स्क्वायर और आ जाएगा, तो क्या आएगा बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा, ये पावर आ गई है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बी का वैल्यू आपको दिया है 1 1 स्क्वायर, वेलोसिटी आपको दी गई है 20, तो 20 20, एल स्क्वायर 1 अपॉन रेजिस्टेंस 0.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, ठीक है, 2 से ये 10 टाइम यानी क्या हो जाएगा 2000 वाट, ठीक है, यानी कि 2 किलो वाट, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। क्योंकि जब रोड चलेगी तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो क्या होगी, करंट इंड्यूस होगी, उस करंट की वजह से फोर्स लगेगा, जब फोर्स लगेगा तो वहां पर पावर डिस्पेच होगी, वो पावर डिस्पेच हमने निकाल लिया, कितनी पावर स्पेंड हुई है।